Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shalini Raj. Currently, I am MBBS second year student at Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram. So, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आने वाले 7 डेज में आप कैसे 79 चैप्टर्स को टोटल 79 चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं आपको एक चैलेंज देने वाली हूँ जिसमें कि आप आने वाले 7 डेज में इस पूरे टोटल 79 चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो. तो जो लोग भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो #challengeaccepted. हर एक बच्चे को ये कमेंट करना है #challengeaccepted अगर आप इस चैलेंज के लिए रेडी हो तो. एंड मैं आपको पहली बता देती हूँ, अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो ना, एंड जैसे मैं बताने वाली हूँ, अगर आप इस तरीके से पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करते हो तो आप श्योरली बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे नीट 2024 के अंदर. यहाँ पे मैंने टोटल 7 डेज लिए हैं आपके, जिसमें कि आपको मैं सारे 79 चैप्टर्स को रिवाइज करने का पूरा शेड्यूल देने वाली हूँ. लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके सारे चैप्टर्स ना 6 डेज में ही रिवाइज हो जाएंगे, एंड लास्ट का एक दिन जो बचेगा उसमें आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे होगे एंड अपने आपको नीट 2024 के लिए रेडी कर रहे होगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को. देखो, फर्स्ट डे पे आपको रिवाइज करना है फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है एंड बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज वाला है. तो मॉडर्न फिजिक्स में जो जो चैप्टर्स आते हैं वो आपको कर लेने हैं, सेमी कंडक्टर कर लेना है एंड यूनिट एंड मेजरमेंट कर लेना है. अब आप पूछोगे दीदी करना कैसे है, हम रिवाइज करेंगे इन सारे चैप्टर को. तो देखो, इन सारे चैप्टर्स को ना आपको पढ़ने नहीं बैठना है. जिन लोगों ने इन सारे चैप्टर्स को पहले पढ़ लिया होगा उनके पास इन सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला शीट जरूर होंगे. अगर अभी भी नहीं है ना तो मेरे टेलीग्राम पे जाके देखो, आपको कुछ चैप्टर के मिल जाएंगे. या फिर आपको कहीं से भी मिल रहा है ना तो फॉर्मूला शीट जरूर रखो, क्योंकि वो फॉर्मूला शीट से ही आपको लास्ट में यहाँ पे अभी के टाइम पर रिवाइज करना है. पूरे चैप्टर्स को ना आप नोट्स उठा के नहीं पढ़ सकते हो. तो करना है कि आपको फॉर्मूला शीट रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने हैं, बस यही दो चीज आपको करनी है. एंड जिनके पास टाइम है ना, एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बच रहा है, तो एक बार ना इंटेक्स के क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी के इंटेक्स के क्वेश्चन है वो देख लेना. ठीक है, इतना ही करना है. अब केमिस्ट्री में बात करें तो आपको जीओसी कर लेना है, हाइड्रोकार्बन करना है एंड पीरियोडिक टेबल चैप्टर को कंप्लीट करना है. इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी के ऊपर. तो बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी से ही स्टिक रहना है. जो चैप्टर्स मैं बता रही हूँ आपको एनसीईआरटी से ही कंप्लीट करना है. एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ के कंप्लीट करना है. आपने पहले भी कई बार पढ़ रखा होगा एंड आई थिंक आपने उसमें अच्छे से अंडरलाइन भी कर लिया होगा अपने एनसीईआरटी के अंदर कि कौन से लाइन है जो आपको याद नहीं हो रहे थे. तो उन सारे लाइन पे ना आपको ज्यादा फोकस करना है अभी लास्ट के 7 डेज में. ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर आपको करना है द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, तो ये पूरा फर्स्ट डे का आपका टारगेट है जो कि आपको कंप्लीट करना है. अगर आज अभी 27 तारीख को अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको 28 से स्टार्ट कर देना है इस टारगेट को कंप्लीट करना. हम डे टू की बात करते हैं तो देखो, डे टू पे ना फिजिक्स में आपको रे प्लस वेव ऑप्टिक्स रिवाइज करना है, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. देखो, इन सारे चैप्टर्स के फॉर्मुलाज एंड पीवाईक्यूज को रिवाइज करना ना इतना ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा. अगर आपने पहले कई बार कर रखा होगा ना तो आप चाहो ना तो इसको एक दिन में दो दो बार रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मुलाज से गो थ्रू होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है. ठीक है, एंड जो लोग ये सोच रहे हैं कि जिनका सिलेबस अच्छे से अभी तक कवर नहीं हुआ है उनके लिए अगर ये उनके लिए टारगेट फायदेमंद नहीं होने वाला है, तो ऐसा नहीं है गाइज. अगर आपने अभी तक पूरे चैप्टर नहीं पढ़े है ना तो कहीं से भी जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ उसका फॉर्मूला शीट निकाल के लेके आओ एंड कम से कम फॉर्मूला शीट ही रिवाइज कर लो जो भी चैप्टर मैं अभी आपको यहाँ पे बता रही हूँ उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के. ठीक है, अब हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं. तो मोल कॉन्सेप्ट, एटम्स, केमिकल बॉन्डिंग, हेलोरिन्स एंड हेलोएल्कीन, ये वाले चैप्टर आपको डे टू पे करने हैं केमिस्ट्री के अंदर. बायोलॉजी में एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये वाले चैप्टर आपको बायोलॉजी के अंदर करना है. ठीक है, तो ये पूरा टारगेट ना मेरे टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया जाएगा डेली एंड मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला करूंगी, जिससे कि जो भी बच्चे वैसे यहाँ पे चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको भी ये टारगेट मिल जाए. ठीक है, अब डे थ्री की बात करते हैं. तो यहाँ पे आपको करना है फिजिक्स के अंदर वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. केमिस्ट्री में बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम को अच्छे से कर लेना, उससे 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है. बायोमोलिक्यूल भी आपको कर लेना है एंड बायोमोलिक्यूल का मैंने शॉर्ट नोट भी अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने पूरा ना एनसीईआरटी का नोट्स बनाया है बायोमोलिक्यूल का एंड वो एक ही पेज का है. अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो आपको बायोमोलिक्यूल कंप्लीट हो जाएगा. बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोमोलिक्यूल, इवोल्यूशन, फ्लावरिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आपको थर्ड डे पे कंप्लीट करना है. डे फोर पे आपको फिजिक्स के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन कंप्लीट करना है. वहीं केमिस्ट्री में आपको सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट कर लेना है. ठीक है, और ये देखो, ये सारे जो चैप्टर्स है ना ये फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, तो
इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करना है, इम्पोर्टेंट जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है इन सारे चैप्टर्स के वो आपको पढ़ लेने हैं एंड पीवाईक्यूज को अच्छे से कर लेना है। बायोलॉजी में आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, बॉडी फ्लूइड एंड ब्रीदिंग वाले चैप्टर को रिवाइज करना है। डे 5 पे देखिए फिजिक्स के अंदर आपको बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैसेस वाला चैप्टर है वो करना है, ऑसिलेशन एंड वेव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। केमिस्ट्री में पी ब्लॉक में हालांकि क्लास 11th वाला जो पोर्शन है वो हट गया है, तो अब सिर्फ क्लास 12th वाला पोर्शन ही आपको पढ़ना है। तो पी ब्लॉक करना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अल्कोहल फिनॉल एंड इथर एंड अमाइंस, अल्कोहल फिनॉल एंड इथर के जो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है ना, जो कि मैंने खुद के लिए अपने टाइम पे बनाया था, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, तो जाके एक बार देख लेना, ठीक है। उससे आपको रिवाइज करने में काफी ज्यादा कम टाइम लगेगा एंड फुली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपका एनसीईआरटी भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। बायोलॉजी में आपको बायोटेक्नोलॉजी का जो दोनों चैप्टर है वो करना है एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो बाकी बचा हुआ चैप्टर है ना, ऊपर आपने यहाँ पे दो चैप्टर्स किए, बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्रीदिंग, इसके अलावा जो भी चैप्टर्स बच रहे हैं वो अभी आपको डे 5 पे करना है। अब हम डे 6 की बात करते हैं, तो देखो डे 6 में आपको फिजिक्स के अंदर मैग्नेटिज्म करना है। आपने यहाँ पे ना डे 5 में आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को कर लिया, अब आप डे 6 में ना सिर्फ मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन करोगे, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट को कंप्लीट करोगे। केमिस्ट्री में आपको एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड वाले चैप्टर को कंप्लीट करना है, इसका भी मैंने एनसीईआरटी बेस्ड नोट ना अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, जो मैंने खुद के लिए बनाया था, तो जाके देख लेना। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ये वाला कर लेना आपको। डी एंड एफ ब्लॉक का भी शॉर्ट नोट ना मेरा जो खुद का एनसीईआरटी बेस्ड था, जो मैंने खुद के लिए बनाया था, वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, तो जाके देख लेना, काफी आपको आसानी पड़ेगी रिवाइज करने में। अब बायोलॉजी में देखते हैं तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। तो आने वाले 6 दिन में ना पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लोगे अगर आप इस वाले शेड्यूल को, इस वाले टारगेट को फॉलो करते हो तो, ठीक है। एंड ये सेम टारगेट मेरे टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया जाएगा एंड मैं कम्युनिटी पे भी पोस्ट करती रहूंगी, सो दैट कि आप इसको अच्छे से फॉलो करते रहो। एंड डे 7 पे ना आपको टोटल सारे चैप्टर को रिवाइज करना है, क्योंकि नीट का बस 2 दिन बाकी रहेगा, तो आपको हर एक चैप्टर से गो थ्रू होना ही पड़ेगा, ताकि हर एक चैप्टर आपके दिमाग में ऐसे फिट रहे, तो ताकि आप अगले दिन अच्छे से जाकर नीट एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ। अब आप लोग बहुत कोई बोलोगे कि दीदी इतने इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं एंड इसके साथ अगर हमको मॉक टेस्ट लगाना होगा तो वो हम कैसे करेंगे। तो देखो आपको अभी लास्ट के 7 डेज में ना आपको एटलीस्ट 14 से 15 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा एंड 14 से 15 घंटे में अगर हम देखें, 4 घंटा मैं निकाल दूं आपके मॉक टेस्ट के लिए, जिसमें कि आप मॉक टेस्ट दोगे एंड उसको अच्छे से एनालाइज करोगे, तो भी आपके पास 10 घंटा बचता है। एंड इस 10 घंटे में ना जो भी मैं आपको एक दिन में चैप्टर्स दे रही हूँ, लगभग 8 से 9 चैप्टर रह रहे, आप आराम से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर्स को एक मतलब नए सिरे से नहीं पढ़ना है, आपने इन सारे चैप्टर्स को ना पढ़ रखा है, बस रिवाइज करना है, एंड वो भी शॉर्ट नोट से एंड पीवाईक्यूज के थ्रू। एंड इसके अलावा आपके नोट्स में जो भी आपके क्वेश्चंस आपने हाईलाइट करके रखा होगा कि मुझे लास्ट के टाइम पे देख के जाना है, सिर्फ वही करना है, ठीक है। तो यही चीजें करनी है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा नोट्स लेके बैठ जाना है आपको, क्योंकि पूरा नोट्स पढ़ने का अब टाइम नहीं है, अब शॉर्ट नोट्स जल्दी जल्दी चैप्टर्स को रिवाइज करने का टाइम है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है एंड ये जो टारगेट है ना पूरा, ये मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड रहेगा, आप डेली इसको देख सकते हो एंड मैं डेली आपको एक बार रिमाइंड भी कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, अलग अलग डे पे मैं जो भी यहाँ पे अलग अलग टारगेट्स है उसको फिर से मैं देती रहूंगी, ताकि आप अपडेटेड रहो एंड आप अच्छे से इसको फॉलो करो। एंड सेम चीज मैं यहाँ पे यूट्यूब पे भी कम्युनिटी पोस्ट पे इन सारे टारगेट्स का डेली अपडेट देती रहूंगी, ताकि आप इसको अच्छे से फॉलो करके नीट 2024 में ना बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिला है, आई होप कि आप इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट करोगे। तो जो लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो प्लीज #challengeaccepted चैलेंज एक्सेप्टेड मेरे को कॉमेंट सेक्शन में लिखा हुआ मिलना चाहिए हर एक बच्चे से, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।